मिलना चाहिए। अच्छा हुआ ये अभी ऐसा हो गया, अगर वो डील के बाद मना कर देता तो। सही कह रही है पश्मीना जी, अगर प्रीति जी हाउस बोट बेच देती तो डील हो जाती और हम फंस जाते। हमें लगा तुम जिद्दी हो, अड़ियल हो, पर तुम्हारे इस फैसले ने आज हम सबकी जान बचा ली, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तुम्हारा। मेरी मम्मा ने हमेशा से मुझे यही सिखाया कि हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए ताकि बाहर वाला आके कोई हमारा फायदा ना उठा सके, यही तो होती है कश्मीरियत। सच कहा प्रीति जी, आपकी कश्मीरियत ने ही हमें बचाया। अच्छा तुम समझ जाना चाहिए था मुझे, ये कंप्लेन झूठी नहीं हो सकती है। और आप पापा, आप इसका साथ दे रहे हैं, आप इसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं, इसने किसी की बेटी के साथ। आशा मैं जानता हूँ, समझता हूँ इसने जो कुछ भी किया वो, पर तुम मेरी बात सुनो। नहीं डैड, मैं नहीं सुनूंगी। आप ही किसी बेटी के पिता है, आपने इस आदमी को जानबूझकर बचाने के लिए उस लड़की को झुटला दिया। कल को अगर ये आपकी बेटी की इज्जत पर हाथ डालेगा तो आप चुप रहेंगे? इतनी सिंपल बात नहीं है ये बेटा, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। I was just trying to avoid। जिस आदमी से मैं शादी करने जा रही हूँ वो ये सब कभी बर्दाश्त नहीं करता, और राघव और मेरे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं है, एंड इन फैक्ट मैं खुद जाके उसे सब बता दूंगी। अच्छा आप कुछ नहीं करेंगे? सबसे पहले तुम्हें चुप करवाऊंगा यू इडियट, घर जाओ और चुपचाप बैठो, किसी से कुछ मत कहना, आयशा को मैं संभाल लूंगा। होशाय तुमने बचा लिया हमें, सब हमारी तरफ हो गए, सब शुक्रिया कह रहे हैं हमें। वो तो होना ही था, हमने कोई गलत थोड़ा ना किया है मम्मा, गलती तो उस राघव कॉल की है, इसलिए भरपाई भी उसी को करनी होगी, जो धोखे जो झूठ उसने बोले। पोषाय तू ठीक है? हाँ मामा मैं ठीक हूँ, पता है मुंबई कितना सुंदर है, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इतने बड़े बड़े रास्ते हैं, और बता समुद्र तो इतना सुंदर है, और बताऊँ आपको? हाँ जानती हूँ, कल काजू ने बहुत सारी तस्वीरें भेजी। वैसे कहाँ है वो, बात तो करा दे। क्या हुआ पुषाय, काजू ठीक है ना? पता नहीं आज सुबह से अमरीन भी नहीं दिखी, मीटिंग में भी नहीं आई थी, क्या हुआ, कहाँ खो गई? मम्मा काजू यहाँ नहीं है, और मुझे पता है कि अमरीन खाला मीटिंग में क्यों नहीं आई। क्या तुम अब भी यहाँ हो पश्मीना? वो गर्ल्स उनमें से एक चली गई है सर, सर परे कभी है। वो झूठ बोल रही है राघव, इसीलिए कंप्लेंट वापस ले ली। उसे समझ आ गया कि हमारे सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो डर गई और उसने कंप्लेंट वापस ले ली। ये लड़की जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं, जानबूझ के कर रही है सब। शादी मुबारक मिस्टर कॉल। हेलो, इतना सब कुछ हो गया, तुम वहां अकेली हो, तुम ठीक हो? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, पर कौन है? मम्मा मैं कुछ देर में बात करती हूँ आपसे। ये क्या तरीका है? क्या किया तुमने और क्यों? क्या किया तुमने? क्या किया? तुम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मुझ पर केस कर रही हो क्योंकि मैंने फ्लोटिंग होटल की डील कैंसिल कर दी। हाँ क्योंकि तुमने डील कैंसिल करी इसलिए। हाँ मैंने डील कैंसिल की है, पर क्यों की है?
ताकि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की हाउस बोट को बचा सकूं मैं। झूठ, तुम्हें लगा होगा ना शायद से वो डील इतनी फायदेमंद नहीं है और तुम अचानक वहाँ से चले गए, है ना? हाँ बिल्कुल उसी तरह था जैसे अचानक से तुमने और तुम्हारी दोस्त ने अपनी कंप्लेंट भी वापस ले ली। झूठ बोलने की ना हद होती है। हमने झूठ नहीं बोला है, समझे तुम? तुमने काजू को पता नहीं क्या ऐसा दबाव डाला कि वो वहाँ से चली गई। मैंने? हाँ, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने काजू पर दबाव डाला। झूठ मत बोलो मिस्टर कॉल। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है पश्मीना सूरी, मेरी नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है? मुझे क्या लगता है और क्या नहीं लगता है उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड में तुम हमेशा मुझे शौक ही देती। खैर अभी चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ मिनिस्ट्री, मेरी कंपनी पर इंक्वायरी बिठाई उन्होंने, थैंक्स टू यू। हाँ तुम्हारे साथ ना ऐसे ही होना चाहिए, इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए और तोड़ दिए, उम्मीदें तोड़ दी, सपने तोड़ दिए और चले गए, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ क्योंकि कभी कभी ना खुद को बचाना पड़ता है उन लोगों से जिनके दिल पत्थर के होते हैं, जिनका कोई ईमान नहीं होता। क्या तुम? Just forget it now. Pashmina, are you okay? Pashmina, open the door, please. क्या है? लगी तुमको? Sorry, मैंने देखा भी होता ना तब भी ऐसे ही करते। मिस्टर कॉल? चुप हो जा सुनील, अगर इस आफत ने कंप्लेंट कर दी ना तो सच में आफत आ जाएगी। अरे मैं मजाक कर रहा हूं, ऑफ कोर्स हम लोग आप लोगों के लिए खुश है, कंग्रेचुलेशंस। मैं तो लेकिन इतनी जल्दी शादी, सब अरेंजमेंट्स कैसे होंगे? सब हो जाएगा मोइना, तुम सारी फिक्र मुझ पे छोड़ो। I know अभी तुम सब संभाल लोगे, as always। पापा आप दुनिया के पहले पापा होंगे जिनको अपनी बेटी की शादी करवाने की इतनी जल्दी है। खुश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी की शादी कितने अच्छे परिवार में हो रही है। कुछ देर में मेहंदी है, उसके बाद हल्दी और फिर कल शादी। राघव एक बार प्रीति आंटी से बात करके देखो, शायद ये सब एक फोन कॉल में सॉर्ट हो जाए। आई नो, मैंने भी सुना, यकीन ही नहीं हो रहा कि पश्मीना राघव पे केस करना चाहती है। चल बच्चा सर बनाओ, लाइक छोटा सा बनाओ। तुझे अपनी बेटी की मदद करना है ना तो ये ले, ये छोड़, ये छोड़ पहले। अब कैंसिल। राघव प्लीज, आई जस्ट फील कि ओके ओके ओके, चलो चलो सब भूल जाओ, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है, तैयारियों में लग जाते हैं। ऐसे कैसे बुला दे अमरीन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अमरीन प्लीज एक बार फिर से सोच लो। मुझे पता है काजू डर के मारे पीछे हट रही है। राघव करके चीचा जीते, सब लोग पुलिस स्टेशन आ गए थे तो मैं बहुत डर गई। इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। हक के लिए लड़ने की बातें किताब में ही अच्छी लगती है। असलियत ये है, हम जैसी माए ये जानते हैं, सही करता फैस भाई जानते हैं। अपनी बेटी की बदनामी का जवाब किस किस को देंगे, किस किस को देंगे? अगर सबको मालूम पड़ेगा कि फातिमा के साथ बड़े शहर में ना जाने क्या हुआ था। ना ना प्रीतु, मैं ये बदनामी नहीं सह पाऊंगी। लेकिन वो एक गुनहगार है अमरीन, अगर आज हमने उसे छोड़ दिया तो वो कल यही किसी और के साथ करेगा। वो आपकी गलती होगी फिर। हो जाने दो गलत मुझे पश्मीना, मेरा खुदा जानता है कि मैंने कैसे अकेली अपनी बेटी को पाला। हाँ, मैं किसी और की गलतियों की सजा अपनी
अपनी बेटी को नहीं दे सकती। तुमने भी तो हिम्मत दिखाई थी ना उस दिन स्टेज पे सबके सामने आके। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या नतीजा निकला? कितने लोग आए हाउस बोट पे फिर? हाँ आमलीन, लड़ाई लड़ रहे हैं, आसान तो नहीं होगी ना? नहीं लड़ती है मुझे लड़ाई, नहीं प्रीतो नहीं। ठीक है खाला, जैसा आपको ठीक लगे। पोशाय मैं बाद में बात करूं। मैं सच में गलती कर रही हूँ क्या? जानबूझ के पतले की आग में जल के कर रही हूँ ये सब। आयशा के पापा ने कहा वैसे मुझे जलन। नहीं नहीं, मैं ये सब अपने हाउसबोट वाले भाइयों के लिए कर रही हूँ, उनके लिए लड़ना चाहती हूँ और काजू के लिए। मैंने वापसी की टिकट तो ले ली है, बस थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। प्लीज़ मुझे रास्ता दिखा दो। मैं सही कर रही हूँ या गलत मुझे कुछ भी नहीं पता है। प्लीज़ मुझे इशारा दे दो। हे भगवान, ये क्या क्रोध? हाँ ये चुनरी आपकी है? मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी चुनरी खराब कर दी। आपने कहाँ से ली? मैं अभी लाके देती हूँ, आप बताओ मुझे। अलकुलित तुलकुल बनावत कश्मीरी। ये शगुन है, माँ का आशीर्वाद है, अब तुम्हारे सारे मुसीबत टल जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.